नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। मनावर के किसानों की खरीफ की फसलें बर्बाद हो जाने से किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार चंद्र सिंह धारवे को दिया ज्ञापन। पिछले कई दिनों से अतिवृष्टि से किसानों की खरीफ की फसलें कपास, सोयाबीन व मिर्ची की फसलें बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में जिन किसानों ने बैंकों से ऋण लिया है, वहां बैंकों ने किसानों से फसल बीमा की राशि भी जमा कराई है। किसानों से बीमा राशि लेने के बाद भी फसल नुकसानी का बीमा नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा फसलों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। अगर समय रहते शासन प्रशासन ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो मध्य प्रदेश किसान व जय संगठन ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज। किसानों की मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो। लाल सिंह बर्मन, जयेश प्रदेश अध्यक्ष। किस सम्मान को लेकर ज्ञापन दिया गया? आज हमने मनावर विधानसभा के लाखनपुर, कलमाणी, भग्यापुर में फसलें बर्बाद हो गई। अधिक पानी बरसात की वजह से फूल आए थे और बारिश हो गई, बारिश होने की वजह से फूल सारे गिर गए। सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, कपास की फसल बर्बाद हो गई, ऐसी कई फसलें हैं जो बर्बाद हो गई, उनको लेकर आज ज्ञापन दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं ज्ञापन के माध्यम से कि इन किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए।